और सबसे पहले भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस है, अब तो बता दो। 2000 years later. मैं बाद में करूंगा, अब मैं स्कूल जाना है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज चुके हैं एंड सबसे बड़ी दिक्कत क्या बनाऊं, मतलब एक लेडी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि मेन्यू डिसाइड करना कि सुबह क्या बनाएं, शाम को क्या बनाएं, दोपहर में क्या बनाएं। और मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है हेल्दी, मैं हेल्दी क्या बनाऊं जिसमें तेल नहीं डलता हो, मसाले ना डलते हों। आ गए जिसकी चुगली मैं कर रही थी वो आ गए। मैं ये बोल रही थी कि मैं ऐसा क्या बनाऊं जो बिना तेल बिना मसाले के बनता हो। हवा, वो आप ही कहते हो, आपको खाना होता है वो। बना ले, कुछ भूख लग रही है, जिम से आया हूँ। पर लोग बक्सों से उठ के जिम भी हो आए, अब आज नहा के भी आए। नहा लिया, जिम के आओगे, नहा के आ गया मैं, ये देख ले। अब ये अच्छे मुझे बता के तो जाओ फिर हेल्दी के ऑप्शन में क्या होता है। चीला बनाओ तो आप चीला बोलते हो, उसमें बिल्कुल नाम का तेल। तू एक काम कर, आज मैं बनाता हूँ तेरे लिए। हाँ? छोड़, मैं बनाता हूँ तेरे लिए। नहीं, मजाक हेल्दी बनाऊंगा, तू देखती रहे, तेल बिल्कुल ना मात्र। और नहीं, मैं मेरे लिए ओके है, मैं बनाता हूँ तेरे लिए आज। बता क्या बनाएगी? मैं बनाएगी साला झुकेगी नहीं, तू बता दे क्या बनाना है। मैं रिस्क नहीं ले सकती अपनी किचन में। नहीं, मैं बनाता हूँ। नहीं वैसे भाई किचन में तब हेल्प कराता नहीं मैं तेरी। हेल्प हमेशा कराते हैं, पर पूरी किचन एक साथ कैसे हैंडल करोगे ब्रेकफास्ट? देख पहले बात ये क्या खाना, अच्छा ये बता अपम खाएगी? हाँ। आज मैं बनाता हूँ इसके लिए अपम हेल्दी वाले, और तू देखिएगा ऐसे काटता हूँ ऐसे करके। नहीं, तो पता नहीं। पर आप पहले क्या कर रहे हैं? मैं पहले प्याज काट रहा हूँ, दिखाइए। काट दी है, ये देख मैं तेरे को दिखाता हूँ कैसे काटते हैं प्याज। ओके, सो ये अपनी कटिंग स्किल्स दिखाएंगे। ओ माय गॉड, मैं पहले पहले आप पहले शेफ था मैं शेफ थे हाँ पहले मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर पहले मैं शेफ था। इतनी छोटी करनी थी? ठीक है, अब मैं तेरे को गाजर काट के दिखाता हूँ। चल तू तू कह रही तो पहले मैं बेसन भिगो देता हूँ। दिल दिखाना शक्ल, बेसन। मैं तेरे को बेसन के अपन खिलाऊंगा ना आज। बेसन के अप्पे होते हैं, वैसे हम लोग अप्पम बोलते हैं, वैसे उनको वो लोग अप्पे बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। अच्छा ये तो बता दे सूजी कहाँ रखी? इधर। यार बहुत हार्ड होता है काम। और रोस्टेड सूजी यूज करते हैं, ये रोस्ट करके मैंने रख रखी है। अब क्या बनाना है? अब क्या बनाना है? कटोरी लेनी जिससे नापोगे। मैं भूल जाता हूँ। कटोरी ले लो, आधी कटोरी। आधी कटोरी ले लो। मैं भूल गया ना, मैं बहुत दिन पहले बनाए थे, मैं भूल गया। हाँ। ये देख। ओके सर। ठीक है। ओके। इसको ऐसे डाल दिया। गाजर काट लूँ मैं? गाजर बहुत इतनी? गाजर भी हाँ, इसे भी कम लगेगी। टावल पीछे ये ये टावल बहुत मुश्किल, एक मैं ब्राउन बन जाता हूँ। सही डाल दिया इसमें। हाँ पहले इन दोनों को मिक्स करके रख दो, फिर पानी बाद में डाल लेंगे थोड़ी देर में। तू शेफ को बता रही है? अच्छा ठीक है, देख लिया मैंने, जब आपको ये नहीं पता सूजी कहाँ है। इसको उसमें कर देते मशीन में। मशीन की जर्दी में है तो देख। हम लस्सी पिएगी? हाँ। मैं तो कॉफी पिएगा। ठीक, तू लस्सी पिएगा? हाँ। तो तेरी लस्सी बना देते हैं अभी। कितना टाइम लगता है? ओह माय गॉड, सबसे पहले ये टावल तो छोड़ दो। नहीं ये शेफ का वो होता है, ये नहीं छोड़ना। ए भाई इसको पानी में से निकाल लेना, क्यों मगरमच्छ घूम रहे हमारे यहाँ? मे बी मतलब एक उसके लिए। ले टावल मैंने रख दिया यहाँ। मिट्टी भी लेंगे? हाँ जी सर। ओहो बुरा गिरू, चीनी गिरू, खांड गिरू। खांड हमारी खत्म हो चुकी है, चीनी बस 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 बस, ज्यादा नहीं। भगवान ऐसा पति सिर्फ मेरे को दे, जो हर जन्म में है ना। लस्सी तो मैं ही बनाता हूँ हर बार। हाँ हाँ, लस्सी तो आप ही बनाते हो हमेशा, चाय मैं बनाती हूँ। गाजर गिर दूँ? गिर गिर दो।
वैसे मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ, मैं अपने सफाई का काम क्यों नहीं कर रही हूँ? आज तुम राधा को छुट्टी दे दी? हाँ राधा छुट्टी पे, आज जब स्टार्ट करो बनाना तब इनो डलेगी, थोड़ी सी इनो डाल दूँ आधी 1/4 चम्मच छोटी। वैसे इंडियन घरों में इनो मतलब पेट से, पेट के लिए कम, खाने में ज्यादा यूज होती है। इसका हथियार कहाँ है बनाने का? ना आप ढूंढो कहाँ है। बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा। ये क्रिकेट बैट नहीं है सर आपका, ये क्रिकेट बैट नहीं है। देनी इसको हम क्रिकेट बैट। ओके सर आप कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं? ओलिव ऑयल है। ओलिव ऑयल है मतलब ओलिव ऑयल को नाम सुन के तेरी अंग्रेजी बदल गई है, तेरा एक्सेंट बदल गया है। मतलब हम अमीर हो गए ओलिव ऑयल खा रहे हैं। इसको ऐसे भर दो, ज्यादा नहीं भरना पर थोड़ा और तो डालूंगा रूजा चम्मच में आ नहीं रहा। देख क्या मस्त बन रहे हैं अभी, दिखा। गुड गुड। ओके पलट दो। पलट देते हैं। शेफ, बड़े शेफ। हाँ जी। चीफ शेफ, चेक करना वो ठीक करा है मैंने नहीं करा है। वही चेक कर रही हूँ मैं। देख ऐसे पलटते हैं। तो कैसे पलटते हैं? तो मैं तो तेरा शागिर्द हूँ, तूने मेरे को ऐसे ही सिखाया। ऐसे मतलब तो प्रॉपर वो तो करो, ऐसे मतलब ऐसे पटक दिया बेचारों को बेगैरत की तरह। हो गए अपम। कैसे बता? आज मैंने बनाया। हाँ ऐसे दो। हाँ 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 हाँ। ऑसम, पक्की बात है? लस्सी बता। परफेक्ट, मेरे लेवल का मीठा है। सही है। ये क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? मच्छर मार रही हूँ। क्यों? ये किसने खिड़की खुली छोड़ दी है? ये राधा ने छोड़ी थी, मैंने बोला था उसको। पूरे कमरे में मच्छर होगा, फिर रात में गाओगे मच्छर। ये देखो किलर किलर। और इतने हराम खो रहे हैं मच्छर, पता कहाँ छुप के। अब लाइट में नहीं दिखे रहे ना, और हाँ। जैसे लाइट बंद होगी जब ही आ जाएंगे तेरी महक सुन के आना। मम्मी का फोन आ रहा था, बात कर ली? अभी तो नहीं करी, पर वो कर क्यों रही है फोन? मेरे को पता है। अच्छा आखिरकार मिल ही गया है। पार्टी पार्टी तो है। और एक गाड़ी का नंबर तो वो कर चुका ना, जो वो पहले वरना के लिए सोच रहा है। वरना के लिए वो कर चुका है, पर वो अभी आ रहा है। हम उसको रिवील नहीं कर सकते, बट आई थिंक हमारा व्लॉग तो लेट आएगा, बहुत लेट आएगा। हाँ वरना का भी वो ले चुका है नया नंबर, और उसकी एजेंडर का भी आ चुका है। आखिरकार लेकर माना वो तो बुरा। उसने आपके पास मैसेज करा, मेरे पास ना करा, ये आ मेरे पास। मेरे पास तो जब ही आ गया था मैसेज, जैसे वो बिडिंग हुई और उसका उसने वो पैसे भरे और मैसेज आया ना। अच्छा। सीधा स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास फॉरवर्ड कर दिया। मैं कह रहा ये क्या कर रहा है एलविस ने? पहले मैं समझा कोई चलान वालान कटा है कसम से। दैट इज व्हीकल नंबर दिस दिस सीधा यही नजर जाती कि चलान कटा है। तो मैं समझा कि वो हुआ है। तो फिर मैंने दोबारा गौर से पढ़ा, ओहो HR 26EV0001 आखिर देख लेके माना है। हाँ। जब भी मम्मी मेरे पास बार बार कॉल कर रही थी, मैं सोची वैसे कर रही है। कर ले एक बार, मम्मी का फोन आ रहा है। ये मम्मी फोन क्यों नहीं उठा रही? हाय मम्मी। और सबसे पहले भाई कांग्रेचुलेशंस के लिए। अब तो बता दो। Hey, दुनिया ने पता चल गया अब तक तो। हाँ उसने शायद इंस्टा स्टोरी डाल दी है। मुबारक जी। बहुत काम से केक खड़े कर रखे हैं तूने। हैं ये मैं तेल लग, ये मैं तेल लगाऊंगी, तो मैंने बैंड लगाया था है ना, क्यूट है ना। मैं तेल लगाऊंगी। कैसा लगा नंबर देख के अपने भाई की गाड़ी में, तू बता। मैं एक सच्ची बात बताऊं, इसमें तुम लोग चाहे कुछ समझो,
उसका ऐसे है ना EV001, तो मेरे को ये नहीं पता था कि भाई वो वैसे मिल जाता है कि भाई जो सीरीज चल रही है, मेरे को लगा चूज करना पड़ता है खुद। और इतने बुरे इन्होंने मेरे को नहीं बताया, मैं बोली उसने देख कितना अच्छा नंबर चूज करा, ईवी मतलब एल्विश, ई और वी चूज कर हाँ, लिया, चूज कर रहा है, ऐसे थोड़ी मिला है, ईवी लिया है उसने चूज करके। सीरीज चल रही है वो। HR 26 LV001 है तो वो तो ई वाई करता है फिर चूज करता है एल्विश, वो, याद है एल्विश याद, वाई नहीं रखना था ना, एल्विश, ईवी इसलिए है। वो सीरीज चलती है ना, हमारा लिया है। हाँ तो मैंने सुनी वो नाच वो वहां नाचने लग गया मेरे को बावड़ा शिट। और इतनी एक्साइटमेंट की सिग्नेचर भी भूल गया भाई, खुशी इतनी थी अपने सारे फ्रूट्स। हाँ अपने एग्जाम टाइम में सारे फ्रूट्स अपने साथ ले जाता था, और पहले एग्जाम शुरू होने से पहले खाने लगता था, तो टीचर्स बोलते क्या कर रहे हो आप, ये फ्रूट्स क्यों खा रहे हो, एग्जाम दो, कि नहीं मैं अपने ब्रेन को वो कर रहा हूँ, रिफ्रेश। रिफ्रेश कर रहा हूँ इसलिए मैं खा रहा हूँ। वो आराम से अपने पेपर देता था, उसको कोई मतलब नहीं कि 3 घंटे का है, कि मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना। और कितने कितने किलो संतरा लेके जाया करता था, कि कैसे कैसे एरिया में रहते हो यार तुम लोग, तुम्हारा नेट भी नहीं आता। हेलो 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 हेलो। नहीं मम्मा तुम लोग ऐसे पता नहीं कैसे एरिया में रहते हो यार, मतलब वजीराबाद में रहेगी का अच्छा सा वाईफाई कनेक्शन भी नहीं है। चा तो बोले बोले, छाननी बोल रही है जिसमें बात कर छेद। आते थे नेटवर्क, अभी 1-2 सालों में प्रॉब्लम आई है वहां। मैं कह रही डैडी खुश या अभी नहीं पता, खुश पे तुम लोग कहां पार्टी करोगे डैडी? नहीं अंदर से खुश होते हैं वो, पर वो शो नहीं करते। Two thousand years later. मैं बाद में करूंगा, मैं स्कूल जाना है। ओके बाय, तुम लोग पार्टी करो, गुड नाइट बाय।